मुकाबले के बाद जलसे को आगे बढ़ाते हुए एक मदरसे के तालिबे इल्म को दावत हुआ कि वह आए और मदरसे के अमीर पर तकरीर पेश करें। इंजारा मोहम्मद बिन इस्माइल الحمد لله حمدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق من تعلم القرآن وعلمه. हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, माने कि हम किताबों पर, माने कि हम किताबों पर कफनों का वर्ण करना। मोहतरम दोस्तों, आपकी इस महफिल में मैं आपको मदरसे की कुछ हकीकत आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बहुत समझ सुनेंगे। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आपके इस पूर्वी कंदौर में मदरसा एक कीमती सरमाया है। अल्लाह ने आदमी ये नेमत अता की है, हमें इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। इन नदी का सीखना और सिखाना ये फर्ज है, जिससे नमाज रोजा वगैरह दुरुस्त हो सके। मदरसा माँ की गोद की तरह है, जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है, उसी तरह इंसान भी यहाँ परवरिश पाता है। मदरसा जन्नत का मिलने बनाना है, मदरसा बहुत से लोगों को बनाना है, मदरसे की इमारत बनाना है, मदरसा हमारा पद बनाना है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है। यही अंबिया का काम था कि मखलूक को खालिद जोड़े, और ये मदरसा भी अल्लाह से जोड़ता है। इसी से दावत तबलीग के फूल गिरते हैं, इसी से इस्लामी सियासत की साखी निकलती है, इसी से पत्नी और तारीख के गोद है हमारा देश। लिहाजा ये मदरसा बमन जिदड़ है, खुदा ना खास्ता इसकी जड़ें कमजोर हो गई, दीदी का हर एक साहबा कमजोर हो गया है। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मदरसा की कदर करो। इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, मदरसा की कदर करो। हमारा मदरसा की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला दूसरों को पैदा कर देगा। माशाअल्लाह।